आपने स्किन केयर रूटीन शुरू किया बहुत के साथ बहुत सारी वीडियोस देखी मेरी एक रूटीन पिक किया और आपने अपना स्किन केयर रूटीन शुरू किया और अब आपकी स्किन रेड हो रही है दो दिन तो सब अच्छा था अब सडनली स्किन रेड है जलन हो रही है आपको चुभने वाली फीलिंग आ रही है या ऐसा हो सकता है दैट यू आर सडनली लुकिंग डार्क यानी जो भी आपका स्किन कलर है और हम सब जानते हैं कि हमारा नेचुरल स्किन कलर क्या है उससे आप दो या तीन शेड डार्क लग रहे हैं बहुत ज्यादा स्किन ऑयली है यू आर लुकिंग डल इट्स लुकिंग कि आपके स्किन से जिंदगी किसी ने खींच के निकाल दी है या ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आपको छोटे छोटे दाने आ रहे थे अब वो दाने बहुत बड़े हो गए हैं आपको आ रहा है सिवियर एक्ने बेसिकली इंग्रेडिएंट सही है रूटीन सही है एंड स्टिल यू आर डिस्ट्रॉइंग योर स्किन और आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एक रूटीन शुरू करते हैं क्या है वो चीजें आपको करनी चाहिए वॉट इज द राइट वे ऑफ गेटिंग स्टार्टेड विद स्किन केयर रूटीन

वीडियो शुरू करने से पहले यू नो सब्सक्राइब अगर आप इंजॉय करेंटेंट मैं बनाती हूँ एक नई सिंगल डेन द ओनली चैनल है साथ ही साथ है गिव अवे से लेकर दिसंबर तक वन लकी विनर टू विन फाइव थाउजेंड रुपीज स्किन प्रोडक्ट्स एंड अ स्किन केयर रूटीन सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड इफ वांट मी टू रिव्यू योर रूटीन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू गेट स्टार्टेड जैसे कि मैंने कहा मैंने यहाँ अपना एग्जाम्पल लिया है ठीक है कि आपने मेरी वीडियोस देखी मेरा दिया हुआ रूटीन लिया और उसके उसके बावजूद भी आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप फाइव मिस्टेक्स द नंबर वन मिस्टेक दर आई सी एवरी वन मेक इज अगर आप कोई भी रूटीन लेते हैं हाइपर फिमेंटेशन मिलाजमा एजिंग हो सकता है उसमें दो या तीन सेरम्स होंगे एक एक्सफोलियंट होगा समथिंग लाइक दैट आप सब कुछ एक साथ खरीद सकते हैं बट सब कुछ एक साथ लगाना नहीं है आपको बिकॉज चांसेस आके आपने जिंदगी में मॉइस्चराइजर के अलावा कुछ लगाया नहीं है रेटनॉल इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू ए या बी या नाय ये सारी चीजें आपके लिए नई है

मार्केटिंग बिजनेस मैं हमेशा कहती हूँ कि गूगल करो शॉपिंग एड्स देखो जहाँ बेस्ट डील मिल रही है वहाँ जाके खरीद लो वेदर इट्स नायका लुक लुकफिनटास्टिक जो भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप शॉप करते हो सबको पता होता है कि इस पॉइंट पर डील आनी है एंड ऑफ द मंथ एवरी वन हैज सेल आप सब कुछ एक साथ खरीद सकते हो पर सब कुछ एक साथ लगाना इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल मेक इन योर स्किन केयर रूटीन एंड दैट इज द एडवाइस दैट आई गिव टू ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स इवन वन दे कम टू मी फॉर एन एंटी एजिंग रूटीन एंड लाइक लिसन हमने अभी तक कुछ नहीं किया है

उसके बाद वी गेट देम ऑन टू एन एक्सफोल्डिंग एंड जो आप फाइव स्टेप सेवन स्टेप एट स्टेप रूटीन देखते हो ना कि इससे स्किन फ्लडिंग भी हो रही है टोनर भी लग रहा है दैट ऑल कम्स लेटर द लर्निंग इज कि अगर आप एक रूटीन फॉलो करना चाहते हैं मेरा दिया हुआ किसी और का दिया हुआ सबसे पहली चीज जो आप करेंगे हफ्ते में एक इंग्रेडिएंट को इंट्रोड्यूस करेंगे नियासिनमाइड कभी यूज नहीं किया

टाइट उसके बाद टॉप फीड उसके बाद हम शुरू करते हैं उनको सॉलिड्स देना जहाँ बहुत ही डिस्गस्टिंग सा खाना होता है छोटे बच्चों का लाइक खिचड़ी एंड लाइक like उबली हुई दाल एंड ऑल ऑफ दैट सीधा ही बच्चे के मुंह में बिरयानी क्यों नहीं डाल देते है? अच्छी टेस्ट होती है नहीं डालते बिकॉज उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा सिमिलरली आपका स्किन एकदम से इतने सारे एक्टिव को टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा एंड देन यू लाइक नथिंग इज वर्किंग ऑन मी एवरीथिंग आई यूज गिवी अ ब्रेकआउट बिकॉज यू आर यूजिंग एवरीथिंग टुगेदर तो लेसन नंबर वन जिससे आप अपने स्किन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे इज बाय इंट्रोड्यूसिंग वन इंग्रेडिएंट एट अ टाइम और इसी से मिलता जुलता टिप नंबर टू इज कॉन्सेंट्रेशन नायसेरामाइड एज एन एग्जांपल दो परसेंट से लेके बीस परसेंट की कंसंट्रेशन में आता है अब आपके हैं लार्ज ओपन पोर्स सीधा ही सीधा दस मत यूज करो क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि ये आपको सूट करेगा कि नहीं हो सकता है आप फाइव परसेंट से शुरुआत करें अगर आप अनश्योर हैं तो नायर सिनेमाई टोनर से शुरुआत करें स्टार्ट विद अंडरस्टैंड वेदर उसे टॉलरेट कर सकती है अगर विटामिन सी आपको करना है, start with a serum, है ही नहीं लाइक जिसमें कॉन्सेंट्रेशन मेन्शन नहीं होती वेरी स्टेबल ज्यादा कुछ नहीं करते बट एटलीस्ट आपको पता चलता है कि आपको सूट कर रहा है या नहीं उसके बाद आप ऑप्टन करें टेन परसेंट विटामिन सी दो तीन महीने लगाया सब कुछ सही है मूव अपू अ फिफ्टीन या सिक्सटीन परसेंट उसके बाद छः महीने के बाद जब नेक्स्ट टाइम आप रीपर्चेज करें यू कैन बाय अ ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट विटामिन सी सीरम फर्स्ट टाइम पे फिफ्टी परसेंट से ज्यादा लोगों को सूट ही नहीं करता बिकॉज इट इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर देयर स्किन इट्स लिटरी लाइक गोइंग टू द जिम शुरुआत करेंगे सो टिप नंबर टू जिससे आप अपनी स्किन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे इज बायसिंग अरम और अंसेंट्रेशन जो लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है स्टेप नंबर थ्री अपने एक्ट को स्पेस आउट करें अब देखिये रेटनॉल इज एन एक्टिव एक्टिव जैसे ए एच एज हैं बी एच एस है हाइड्रोक्सी एसिड बीटाहाइड्रोक्सी एसिड लैक्ट्रिक एसिड सारे एक्टिव हैं अगर आपने एक साथ सब कुछ ले लिया आपके आपको ओपन पोर्स भी हैं और आपकी स्किन भी डल है ये कॉमन प्रॉब्लम है सबको होती है तो हमने ए एच ए भी ले लिया बी एच ए भी ले लिया अब हम हफ्ते में चार बार लगाएंगे तो ऑब्वियसली स्किन बैरियर ब्रोकन होगा अगर आप प्रायोरिटाइज करें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इज लार्ज ओपन पोर्स ग्रेट सालिस एसिड प्लस ना ज्यादा प्रॉब्लम आपकी स्किन बहुत डल है डार्क स्पॉट्स है ग्रेट लैक्टिक एसिड प्लस नायासेनेमाइड या ग्लाइकोलिक प्लस ग्लाइकोलिक भी यूज करना है लैक्टिक भी यूज करना है सैलिसिक भी एसिड यूज करना है आप अपने स्किन बैरियर को डिस्ट्रॉय करेंगे सो डोंट डू दैट टू योर स्किन स्पेस इट आउट एंड एक बहुत सिंपल वे ऑफ स्पेसिंग थिंग्स आउट जिसके बारे में ज्यादा आप लोग कभी सोचते नहीं है आई ऑलवेज से दिस इन माई विडियोज

दो या तीन हफ्ते में एक बार एज एन टू टू थ्री टाइम्स मंथ मैं ग्लाइकोलिक यूज करती हूँ बट लैक्टिक इज समथिंग आई नो वर्क बेटर क्योंकि मैंने दोनों को इंडिविजुअली सेपरेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज किया है और हर स्किन यूनिक है देर आर सर्टन थिंग्स दैट विल वर्क बेटर ऑन योर स्किन और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वो बेस्ट प्रोडक्ट क्या है जब तक आप उसे आउट करके यूज नहीं करते एक ही टाइम में एक दिन लगा 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 रहे रहे हैं, हैं, एक दिन ग्लाइकोलिक अगले हफ्ते बर्ड्स आई व्यू ऑन योर एंटायर स्किन केयर रूटीन टिप नंबर टिप नंबर अपने रूटीन को सिंप्लीफाई करें अगर आपको सेवन स्किन मेथड करना है हाइड्रेशन के लिए ठीक है? It's a fabulous technique. हफ्ते में एक या दो बार करें अपने हाइड्रेट नाइट्स पे एक्सफोलिएट भी करना है हाइड्रेट भी करना है रेटनॉल भी लगाना है हर चीज को एक ही रात को मत करें सात रातें हैं आपके पास सेवन डिफरेंट टाइम्स यू कैन स्पेस आउट योर रूटीन जिस तरह से मेरे रूटीन डिजाइन होते हैं एक्सपीरियंस्ड यूजर्स के लिए या मेरे खुद के लिए हफ्ते में तीन से चार समटाइम्स पांच बार मैं यूज करती हूँ रेटनॉल अगर मैं हफ्ते में पांच बार रेटनॉल यूज कर रही हूँ तो मैं एक्सफोलिएट करती हूँ सिर्फ हफ्ते में एक बार और एक बार मैं लेती हूँ रेस्ट कभी कभी मैं यूज करती हूँ रेटनॉल हफ्ते में तीन बार दो बार करती हूँ और दो बार लेती रेस्ट डिपेंडिंग कि आप किस रात को क्या करना चाहते हैं अपने रूटीन को करें एंड दैट इज़ आई द द वीडियो विद ट्रेडमार्क जहां मैंने आपको बताया है कि चार स्टेप में आप अपने रूटीन को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्लेंस करेक्ट कॉम्प्लीमेंट कवर क्लेंस यानी फेस वॉश करना सुबह के टाइम सिंगल फेस वॉश रात के टाइम पे डबल क्लेंस करेक्ट यानी वो ट्रीटमेंट यूज करें जिसकी आपकी स्किन को सबसे ज़्यादा जरूरत है कॉम्प्लीमेंट अपनी पहली ट्रीटमेंट को और पावरफुल बनाने के लिए एक लेयरिंग कॉम्बिनेशन चूज करें और फाइनली कवर या सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर दिन के रूटीन में दोनों या एक डिपेंडिंग की आपकी क्या नीड है इस तरह से अपने आप रूटीन को सिंप्लीफाई करें एंड टारगेट दें कि सिक्स मंथ्स में एट मंथ्स में वन ईयर में वेर डू वॉन्ट टू बी शॉर्ट टर्म गोल्स इन स्किन केयर मच लाइक हेल्थ केयर कभी काम नहीं करते अगर आपका हेल्थ केयर गोल है दैट यू वांट टू बी एन ऑप्टिमल वेट या अगर आप डायबिटीज uh, से स्ट्रगल कर रहे हैं हाइपर से स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपनी मेडिकेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं यू हैव टू मेक ओवरऑल लाइफ एडजस्टमेंट्स जिससे आपकी मेडिकेशन कम हो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो तो वो पाँच दिन दस दिन में तो नहीं होती मिनिमम थर्टी डेज तो लगते हैं आपको टू सी एन ओवरऑल इम्पैक्ट एंड दैट इज वाई यू नीड टू स्पेस आउट योर रूटीन एंड टिप नंबर फाइव यू गॉट टू बी पेशेंट अगर आपका रूटीन काम कर रहा है एंड यहाँ मैं एक बहुत पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना चाहती हूँ हम रूटीन फॉलो कर रहे थे दो तीन महीने तक तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ बहुत मजा आया लेकिन आपको चेंज नहीं हो रहा क्या चेंज होगा वॉट वॉट डू थिंक विल हैपन रूटीन का हर स्किन केयर प्रोडक्ट का एक ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड होता है यानी इस पॉइंट के बियॉन्ड अब वो कुछ नहीं कर सकता आप पैप्टाइज लगा रहे हैं कॉपर पैप्टाइज लगा रहे हैं जैसे मैं ऑलमोस्ट डेढ़ दो साल से लगा रही हूँ राइट अब मेरी स्किन फर्म है

उसके बाद अगर आपको थोड़ा और इम्प्रूव करना है यू कैन गो फॉर स्ट्रांगर इंग्रेडिएंट्स, यू कैन गो फॉर इन ऑफिस ट्रीटमेंट्स पर जरूरी नहीं है कि मतलब इट लाइक चेंज योर फेस स्किन केयर इज टॉपिकल टॉपिकल स्किन केयर के लिमिटेशन होते हैं उस लिमिटेशन को समझें और अपने स्किन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करें आई प्रॉमिस यू आप अपने स्किन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये थे मेरे टॉप फाइव ट्रिप्स ऑन हाउ नॉट टू डिस्ट्रॉ योर स्किन वीडियो पसंद आई हेल्पफुल लगी हट द सब्सक्राइब बटन आई वुल सी टूमोर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ आई एम सो एक्साइटेड वी हेट टू हंड्रेड थाउजेंड सब्सक्राइबर्स आई एम सो एक्साइटेड यू नो आट टोल माई हस्बेंड वन आई स्टार्ट दिस चैनल कि जब मेरे फिफ्टी थाउजेंड हो जाएंगे ना तो मैं तो उस में खुश हो जाऊँगी लाइक like, मेरी तो, ख्वाहिशें ही इतनी छोटी हैं कि जब उससे ज़्यादा मिलता है देन यू आर जस्ट सो ग्रेटफुल सो इलेटेड एंड यू हैव नथिंग मोर टू आस्क लाइक आई हैव नथिंग मोर टू आस्क ओबियसली आई वॉन्ट टू ग्रो दिस चैनल आई वुड लव टू हिट लाइक फाइव हंड्रेड थाउजेंड सम डे बट ऑनेस्टली आई एम सो ग्रेटफुल जब आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना उसके बाद